मंच पर उपस्थित सतना कलेक्टर श्री मुकेश शुक्ला जी, वाइस चांसलर, कुलाधिपति श्री बीपी सोनी जी, प्रो वाइस चांसलर्स डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर त्रिपाठी, डीएसडब्ल्यू जीएस मिश्रा जी, बाकी सामने बैठे हुए फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स और बड़ी तादाद में मोबाइल पर और डेस्कटॉप में इंटरनेट पर इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र, उनके मित्र, उनके परिवार वाले और हमारे सभी शुभचिंतक, मैं सर आपको बताना चाहूँगा कि इस वर्ष विश्वविद्यालय को बेस्ट यूनिवर्सिटी इन आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एसोचेम के द्वारा अवार्ड दिया गया, जिसे श्री सतपाल सिंह जी, जो मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री हैं, उनके द्वारा दिल्ली में दिया गया। और अभी 18 तारीख को मुझे AICT के मेंबर सेक्रेटरी श्री मित्तल जी द्वारा बेस्ट यूनिवर्सिटी इन ICT 2018 का अवार्ड भी इस विश्वविद्यालय को मिला। इसके पूर्व भी विश्वविद्यालय को बेस्ट इनोवेटिव यूनिवर्सिटी, बेस्ट यूनिवर्सिटी इन रूरल एरिया, इस तरह के कई अवार्ड सन 2013 से लगातार मिल रहे हैं। इसका कारण विश्वविद्यालय की लगातार शैक्षणिक प्रगति है और बच्चों की तरफ हमारे इनोवेशंस का ये परिणाम है। आज हम अपने बच्चों को, जहाँ पे विश्वविद्यालयों में लोगों को इंडस्ट्रियल टूर की बड़ी दिक्कत होती है, हमारे यहाँ के लगभग 1200 छात्र वोकेशनल ट्रेनिंग में पिछले साल गए और तमाम कंपनियों में उनके प्लेसमेंट्स हुए। यहाँ के छात्र अभी इसी वर्ष और पिछले वर्ष हांगकांग, मलेशिया, म्यांमार, थाईलैंड जैसे देशों में जाकर के सेमिनार में पेपर प्रेजेंट किए। अभी एक छात्र जो बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड में सेलेक्टेड भी है और वह अजरबैजान जा रहा है। मतलब सतना में रहते हुए भी हम बच्चों को इंटरनेशनल एक्सपोजर दे रहे हैं। नेशनल एक्सपोजर तो है ही है, बड़ी बड़ी कंपनीज में, MNCs में, माइनिंग के क्षेत्र में, चाहे वो सीमेंट टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, बड़ी बड़ी कंपनीज में यहाँ के छात्र जॉब में पहुँच गए हैं। ये सही नहीं सर, इसके अलावा हम उस बातों पर भी ध्यान दे रहे हैं। हमने अभी 10,000 साल पुरानी स्क्रिप्ट ब्राह्मी लिपि पे कोर्स स्टार्ट किया और उसमें जिन छात्रों में ने अपना परफॉर्मेंस दिया, उस लिस्ट में मैं भी एक छात्र था। मतलब मैंने भी ब्राह्मी सीखी और मुझे इतना मज़ा आया, जो बाकी छात्र थे उन्हें भी बहुत अच्छा लगा। हम मल्टी डायमेंशनल तरीके से काम कर रहे हैं, न सिर्फ एकेडमिक्स बल्कि उसके बच्चों के ओवरऑल और हर तरीके का विकास हो सके, इस पे हम ध्यान दे रहे हैं। आज विश्वविद्यालय में लगभग 8,000 छात्र अध्ययनरत हैं और आशा है कि आने वाले 5 सालों में हम इसको 30,000 बच्चों तक पहुंचा देंगे। जब मध्य प्रदेश इस क्षेत्र का बहुत बड़ा एजुकेशनल हब कहलाएगा, यहाँ के छात्र नेशनल लेवल पर ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटीज़ AIU, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के साथ में, वहाँ पर बहुत सारे विश्वविद्यालयों के जहाँ बच्चे जाते हैं वहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भाग लेते हैं और हम इनको नेशनल इंटरनेशनल एक्सपोजर देने के लिए लगे हुए हैं। मैं आप यहाँ पर आए उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ सर।